सरकार आज की तारीख में मैं समझता हूं कि अपने विश्वसनीयता के गर्त में जा चुकी है, और इसलिए जो सब लोग कह रहे हैं कि ये बैकफुट पर है सरकार, निश्चित रूप से है, क्योंकि अपने मोदी जी अपने कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो महत्वपूर्ण बिल जो था, जो एक तरह से एक तो मीडिया को कंट्रोल करने वाला था और एक मुसलमानों की और वक्त की जमीन एक तरह से हड़पने वाला जो बिल था, उन दो बिलों को उनको वापस लेना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में जो इतना बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड सामने आया है, उसको लेकर जो पूरा रवैया जो है सरकार का, वो ऐसा लगता है जैसे कि दो जिस्म एक जान है वाला जो सिद्धांत है, उसी तरह का ये लग रहा है। उसमें ये लग रहा है कि ये अडानी जी, माधवी बुच और मोदी जी, वो सब एक ही हैं। इनके खिलाफ जो बोलना है वो मोदी प्रधानमंत्री जी से नफरत करना है, इस देश से नफरत करना है, इस तरह का पूरा माहौल इनके बचाव में बनाया जा रहा है। तो ये जो पूरा जो रचा जा रहा है, जो पूरा माहौल बीजेपी की ओर से बनाया जा रहा है, आरोप तो सेबी पर लगा है, उनके चीफ पर लगा है, लेकिन बचाव ये कर किसका रहे हैं, तो बचाव कर रहे हैं ये बीजेपी की ओर से बचाव किया जा रहा है सेबी चीफ का। तो ये जो पूरा घालमेल है, ये दिखाता है कि जो आरोप लगता रहा है कि मोदी ही अडानी है और अडानी ही मोदी है, ये जो पूरा रिश्ता है, उस रिश्ते को समझने की जरूरत है कि कैसे ये एक तरह से आज की तारीख में ये माहौल बना रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलना, इस सरकार के खिलाफ बोलना, वो देश के खिलाफ बोलना है, और मोदी ही एक तरह से देश हो गए हुए हैं। तो इनके पूरे रवैये से ये जो जस्टिस का जो सवाल है, वो जस्टिस का सवाल ही दांव पर आ गया हुआ है। आप जस्टिस करने के तरफ बढ़ते हुए दिखते ही नहीं है। जो कोई भी मामला सामने आता है, उसको कैसे दबा दिया जाए, उसको देश विरोधी बता दिया जाए, उसको उसमें देश विरोधी ताकतों का हाथ बता दिया जाए, इस तरफ आप चले जाते हैं। आपको जांच कराने से किसने रोक रखा है? आप जांच नहीं करा रहे हैं। दूसरी तरफ यह हो रहा है कि आप बताइए कि आज की तारीख में विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि हिंदुत्व के एक बड़े ब्रांड माने जाते हैं और हार्डकोर हिंदुत्व वाले वो माने जाते हैं, आरएसएस के सबसे ज्यादा करीब हैं, उनका इंटरव्यू, उन्होंने जो अपनी बात कही है, उन्होंने तो सीधे मोदी जी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अडानी की जेब में है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के साथ विश्वासघात किया है, और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट बिल्कुल सही है, और इसकी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करवाए अपनी निगरानी में, उसमें जजों को रखा जाए, उसमें पत्रकारों को रखा जाए। ये सुब्रमण्यम स्वामी की बात मैं कह रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी को इस रूप में आप खारिज नहीं कर सकते हैं कि सरकार से उनकी बहुत सारी असहमतियां रहती हैं। कितनी भी असहमति रहने के बावजूद वो सरकार के पक्ष के लोग हैं। राहुल गांधी वाले मामले में, नेशनल हेराल्ड वाले मामले तो ही लग रहे हैं। तो वो सरकार के पक्ष में रहने वाले व्यक्ति हैं, और जब हिंदुत्व का सवाल आता है तो हिंदुत्व के पक्ष में खड़े होते हैं, हिंदुत्ववादी ताकतों के पक्ष में खड़े होते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कैटेगरिकली इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और सेबी चीफ की नियुक्ति वो अडानी के कहने पर हुई थी, और अडानी की जेब में नरेंद्र मोदी है, और यह देश के साथ विश्वासघात है। तो ये सवाल जब सामने आ रहे हैं, इन सवालों पर कोई जांच पड़ताल हो, उसके बदले में बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो बड़े नेता है, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, वो विपक्ष के खिलाफ क्या आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये देश को कमजोर करना चाहते हैं। तो वही आप ले जा रहे हैं कि जैसे कि मोदी जी ही देश हो गए, जिसके पहले किसी सरकार पर, किसी प्रधानमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा। आप इनके पहले मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जिस तरह का इन लोगों ने माहौल बनाया, 2G के मामले में क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इन लोगों ने पूरा माहौल बनाया उस सरकार के खिलाफ। उस समय तो किसी ने नहीं कहा था कि आप देश को तोड़ रहे हैं, मनमोहन सिंह ही देश इंडिया है और इंडिया ही मनमोहन सिंह है, ये तो किसी ने नहीं कहा था। तो ये जो पूरा माहौल जो बनाया जा रहा है,
वो इसलिए बनाया जा रहा है कि इनको जस्टिस नहीं करना है। अब एक छोटी सी खबर है जिसको वो कहीं दब गई, लेकिन हुआ है कि राम रहीम जी 10वीं बार पैरोल पर बाहर आ गए, आसाराम जी को पैरोल मिल गया। ये न्याय का कौन सा तकाजा है? आप ऐसे लोगों को, आदरणीय बलात्कारियों को आप छोड़ते हैं, जेल से उनको छूट देते हैं, उनको घूमने की, पब्लिक में घूमने की इजाजत देते हैं, और ऐन चुनाव के मौके पर, खास करके राम रहीम वाला जो मसला है वो तो कहा जा रहा है कि हरियाणा चुनाव को देख करके वो सब किया जा रहा है, तो आप न्याय का जो तकाजा है उसको कैसे आप नाबूद कर रहे हैं, कैसे उसको एक तरह से खत्म कर रहे हैं? ये न्याय का तकाजा है कि इतने बड़े कॉर्पोरेट फंड को लेकर के सरकार कुछ करती हुई दिखती, लेकिन सरकार करती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि सरकार फ्रॉड के पक्ष में खड़ी होती दिख रही है साफ साफ, और इसकी पुष्टि उनके भीतर के लोग कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग कर रहे हैं। और एक बात और, जो शकील साहब कह रहे थे कि अडानी जी क्या बनाते हैं, अडानी जी निश्चित रूप से सिर्फ बेचने और खरीदने का काम करते हैं, लेकिन एक चीज जो बनाते हैं वो तेल बनाते हैं, तो वो सरकार सत्ता को तेल लगाते हैं और देश को चूना लगाते हैं। ये बात ये साबित हुआ है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के दोनों 2023 वाले में और अभी वाले में, कि अडानी जी का जो तेल उद्योग है वो एक तरह से सत्ता को तेल लगाने के लिए है और इस देश की जनता को चूना लगाने के लिए है, इसकी आड़ में वो सब कुछ कर रहे हैं। तो इनके जो इस देश का जो उद्योगपति है, जो जिसने इस देश को बनाने बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उनकी हालत आप देख लीजिए, और इनको देखिए जो कुछ नहीं बनाते हैं, बस इनकी विशेषज्ञता यह है कि ये तेल मालिश करने में सबसे आगे रहते हैं और उसके जरिए देश को बहुत बहुत बड़ा बड़ा चूना लगाते हैं। ये दो बार चूना लगा चुके हैं, ये सब पूरी दुनिया जान रही है इसको, हिंडनबर्ग ने इसको अपनी रिपोर्ट में से खुलासा किया है। रही बात कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में जो ये कहते हैं, तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि कोई नारा लगा करके भाग जा रहा है। अरे इतनी बड़ी रिपोर्ट है, उसमें कैटेगरिकली बताया गया है कि माधवी बूच, धवल बूच, अडानी, विनोद अडानी, इन सबके क्या रिश्ते हैं, उनकी नियुक्ति में कैसे सरकार का हाथ है, इन तमाम चीजों पर आप कुछ क्लैरिफिकेशन देने के बदले में आप क्या कर रहे हैं? अब कंगना रनौत आकर के राहुल गांधी को गाली दे रही है। अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के पास 24 कंपनियां हैं और वो बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, उनमें 5 कंपनियां घाटे में है, ये सब तो ये क्या है? ये जो काउंटर नैरेटिव जो आप कर रहे हैं वो कहां ले जाना चाहते हैं? आप जॉर्ज सोरोस को ले आते हैं कि जॉर्ज सोरोस जो है वो हिंडनबर्ग में उनका पैसा लगा हुआ है और वही इस देश को तोड़ने के लिए तोड़ने वाला काम कर रहे हैं, तो ये सब कह करके आप पूरा माहौल चाहते हैं कि इसको गडमगड किया जाए। लेकिन यही पर विपक्ष के सामने चुनौती है राजीव जी, चुनौती ये है कि देखिए ये कॉरपोरेट करप्शन जो है ये कैसे नीचे तक इसको जनता के बीच में ले जाया जाए, क्योंकि नैरेटिव आप अगर गढ़ लेते हैं, अगर नैरेटिव बना लेते हैं जो क्लिक करे जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में वो क्लिक कर जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है मुझे लगता है कि वो निर्णय बिल्कुल ही सामयिक है और जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि उसने एक बड़े आंदोलन का कॉल दिया है और इसको ऑल पार्टी आंदोलन के रूप में अगर ये आगे बढ़े, इंडिया अलायंस का एक आंदोलन बने, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सार्थक होगा और नैरेटिव नीचे तक जाएगा और इसको आपको जोड़ना पड़ेगा कि ये जो कॉरपोरेट करप्शन है ये कैसे इस देश से महंगाई को बढ़ा रहा है, कैसे बेरोजगारी को बढ़ा रहा है, कैसे आम लोगों का जीवन स्तर नरक कर रहा है, इसको आप अगर जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में चीजें ज्यादा ठीक ढंग से जाएंगी और ये जब नैरेटिव बनेगा तो जनता के बीच में एक तरह से सरकार को लेकर के उनके भीतर में जो ये जो क्षोभ है वो सरकार की